हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़फ़र अली ख़ान और आज हमारा पहला ओ लेवल कंप्यूटर साइंस का लेक्चर है विच इज़ अबाउट नंबर सिस्टम्स। सो वैसे भी ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो नंबर सिस्टम्स में हम बेसिकली बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और उसमें जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बाइनरी नंबर्स का है। तो जब हम नंबर्स की कन्वर्जन पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल या बाइनरी या जो हमारे ह्यूमंस का नंबर सिस्टम है उसको सिर्फ हम नहीं कवर करते, बल्कि उसके अलावा एडिशनल हमारे पास इमेजेस हैं, साउंड है और टेक्स्ट है, इनको भी हम कन्वर्ट करना सीखते हैं। सिंस बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि कंप्यूटर का बेसिक नंबर सिस्टम है, हर एक चीज़ उसमें कन्वर्ट होती है, तो हमको हर एक चीज़ को नंबर्स में ही देखना होता है। तो अगर आप उसको नंबर्स में देखते हैं तो इसका मतलब है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हर चीज़ को क्या नंबर दिया जाए ताकि फिर हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो ये और बहुत कुछ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम है, जो हम ह्यूमंस इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं डेनरी नंबर सिस्टम, डेनरी नंबर सिस्टम। डेनरी नंबर सिस्टम को कुछ डिसिप्लिन्स में डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। तो डेनरी या डेन या डेसिमल या डेसी, इन दोनों का मतलब जो है वो 10 बनता है। तो जो हमारा नंबर सिस्टम है वो बेसिकली बनता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 शेप्स से, जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे डिजिट्स हैं। सही है? तो हमारे पास बेसिक डिजिट्स कितने हैं? 0 to 9, 10 डिजिट्स हैं। तो जो डिजिट्स का काउंट होता है इसको कहते हैं कि ये हमारी बेस है। तो जो हमारा नंबर सिस्टम है ह्यूमंस का वो है बेस 10। तो ये बेस 10 नंबर सिस्टम है जो हम ह्यूमंस के काम आता है, जो आपने शुरू से सीखा है, छोटी छोटी क्लासेस से आप इसी को पढ़ते चले आ रहे हैं। सो बेसिकली लेट्स टेक अ नंबर, लेट्स से दिस इज 5326। हम सबको पता है कि दिस 6 इज यूनिट, 2 इज 10, 3 इज 100 एंड 5 इज 5000, सॉरी 1000। सो बेसिकली इनको हम क्या कहते हैं? इनको आप लोग कहते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, इनके लिए कौन सी टर्म है? तो इसको हम कंप्यूटर वाले कहते हैं वर्थ। और इस वर्थ को जो है हम वेटेजेस भी कह सकते हैं, हम इसको प्लेस वैल्यूज भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है हम इसको क्या टर्म करते हैं? वर्थ। हम इसको टर्म करते हैं वर्थ। तो सवाल ही पैदा होता है कि ये वर्थ या प्लेस वैल्यू किस तरीके से जनरेट होती है, ये कैसे बनती है? तो हमें इसका पता होना ज़रूरी है। तो उसका रीज़न भी बेस 10 ही है। तो बेस 10 में बेसिकली क्या होता है कि आप देखते हैं कि आपका हर डिजिट बेस 10 का डिजिट है, यानी कि दिस 5 इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम बेस 10 सिस्टम, दिस 3 इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम बेस 10 सिस्टम, दिस 2 इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम बेस 10 सिस्टम एंड दिस 6 इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम बेस 10 सिस्टम। और ये हो गई हमारे पास बेस। इस बेस के ऊपर राइट से टूवर्ड्स द लेफ्ट हर डिजिट की जो पोजीशन है उसको हम मेंशन करते हैं एज पावर। हर डिजिट की जो पोजीशन है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट उसको हम एज पावर मेंशन करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर में जब भी हम काउंट करते हैं तो काउंट तो एक्चुअल टर्म में होता है, लाइक देर आर 4 एप्पल्स, लाइक देर आर 5 पीपल, तो हम उसको कहेंगे भाई दीज आर 5 पीपल। बट वेन वी गिव देम नंबर या हम उस पर सीरियल लगाते हैं तो हम उस वक्त उसको 0 से काउंट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। सो 5 इज एक्चुअली 5, लेकिन जब हम इसको नंबर देंगे तो हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। इसी वजह से आप देखें जो पोजिशन है आपके पास वो क्या है, पोजीशन आपके पास 0 से स्टार्ट हो रही है। तो जब आप इस बेस 10 को उसकी पोजीशन एस पावर के साथ रिजॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपके पास वर्थ क्रिएट हो जाएगी। तो वर्थ जो है वो 6 की बनेगी यूनिट, 2 की बनेगी 10, 3 की बनेगी 100 और 5 की बनेगी 1000। ऑलराइट? और फिर ये हर डिजिट जो है वो अपनी वर्थ से मल्टीप्लाई करता है और जो रिजल्ट होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो रिजल्ट आपके पास 5326 ही आएगा। अब आप बोलेंगे कि हमारे पास इनपुट भी वही थी,
हमारे पास आउटपुट भी वही आए, तो इसका फायदा क्या है? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यही तरीकाकार, यही स्ट्रेटेजी जब हम बाइनरी नंबर्स बनाएंगे तो उसमें भी अडॉप्ट करेंगे। जो हमारे पास इनपुट होगी वो हमारे पास बाइनरी नंबर होगा, और जो आउटपुट होगी वो हमारे पास बाइनरी नंबर आएगा। तो आपको ये जो पूरा बताया कि हर एक डिजिट की वर्थ होती है और उस वर्थ से वो डिजिट मल्टीप्लाई होता है और फिर जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपस में ऐड होते हैं, ये वो तरीका है जिससे ह्यूमंस राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ मैथमेटिक्स ट्रीट करके समझते हैं नंबर्स को, उनकी वैल्यू को, उनकी मैग्नीट्यूड को। तो अब हम यही तरीका लेकर के आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एक्सेप्शन समझनी है, और वो एक्सेप्शन ये है कि ह्यूमंस ओनली राइट एज मैनी डिजिट्स टू फॉर्म अ नंबर एज रिक्वायर्ड। एज इन, अब आप देखें, अगर आपको 3 लिखना है, आपको 225 लिखना है, आपको 4082 लिखना है, तो समटाइम्स जब हमें नंबर चाहिए होता है तो हम एक डिजिट लेते हैं। समटाइम्स वी नीड 3 डिजिट, समटाइम्स वी नीड 4 डिजिट्स, तो वी टेक एज मैनी डिजिट्स एज रिक्वायर्ड टू राइट द नंबर। लेकिन कंप्यूटर में ये नहीं होता। कंप्यूटर में जो है, देयर इज रिस्ट्रिक्शन टू राइट बाइनरी नंबर्स, और वो रिस्ट्रिक्शन आपके सिलेबस में ये है कि आप 8 बिट्स लेंगे या आप जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 8 बिट्स लेंगे। तो अगर आपको 9 बिट की लेंथ वाला नंबर लिखना है तो आप उसको जो है वो बेसिकली फिर 2 बाइट में लिखेंगे, यानी कि 16 बिट्स में। तो हम जब भी कोई नंबर लिखेंगे तो 8 बिट्स में या मल्टीपल्स ऑफ 8 में लिखेंगे। तो इससे पहले कि वी मूव ऑन, हम बाइनरी नंबर सिस्टम लें, हम 2 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ कंप्यूटर सेव्स? व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ कंप्यूटर सेव्स? अब इसका जो आंसर है वो है 8 बिट्स और 1 बाइट। इससे कम डाटा नहीं होगा। अगर आपको 2 बिट्स भी सेव करने हैं तो कंप्यूटर वुड पुट 6 इनिशियल जीरोस एंड कंप्लीट द बाइट एंड देन सेव्स इट। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो 1 बाइट से कम में सेव नहीं करता। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई कंप्यूटर यूजेस बाइनरी? थिंक अबाउट इट्स आंसर। अब जो है आंसर ये है कि कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ सर्किट्स। सर्किट्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ लॉजिक गेट्स। तो इन अ वे, जिस तरीके से जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, तो वो सेल से बने हुए, तो उनका जो यूनिट है वो सेल है। इसी तरीके से जो मैटर है उसका यूनिट जो हम लोग ट्रीट करते हैं वो क्या है? एटम। तो इसी तरीके से जो कंप्यूटर्स हैं वो सर्किट से बने होते हैं, और सर्किट का जो यूनिट है वो क्या होता है? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट्स जो हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो लॉजिक गेट्स की जो इनपुट होती है वो 0 1 यानी कि बाइनरी होती है, और उसकी जो आउटपुट है वो भी बाइनरी होती है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि क्योंकि कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ लॉजिक गेट्स एंड द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट इज बाइनरी, दैट्स व्हाई कंप्यूटर यूजेस बाइनरी। अब देखिए, एक सवाल है, लेट्स से हम सांस क्यों लेते हैं? तो इसका एक जनरल आंसर ये है कि जिंदा रहने के लिए। लेकिन एक्चुअल आंसर ये है कि वी आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है। टू अक्वायर ऑक्सीजन द ओनली वे इज टू ब्रीथ। हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन को अक्वायर करने के लिए, ताकि हम अपने सेल्स को दे सकें और हम कंटिन्यू कर सकें अपनी लाइफ को। सो एक आंसर होता है जनरलाइज, एक होता है स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक आंसर व्हाई कंप्यूटर यूजेस बाइनरी इज सिंस कंप्यूटर्स। अच्छा, इसमें एक चीज आपको और जहन में रखनी है, और वो ये है कि जो कंप्यूटर्स हैं, जब हम वर्ड कंप्यूटर यूज करते हैं, बीइंग कंप्यूटर स्टूडेंट, बीइंग कंप्यूटर टीचर, बीइंग कंप्यूटर साइंटिस्ट और कंप्यूटर प्रोफेशनल, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लैपटॉप और द डेस्कटॉप, रादर वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर। सो द वर्ड कंप्यूटर, बीइंग कंप्यूटर स्टूडेंट, विल ऑलवेज बी द माइक्रो प्रोसेसर। तो सिंस कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ सर्किट्स एंड सर्किट्स आर made up of
लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स यूज्ड बाइनरी टू और बाइनरी फॉर इनपुट एंड आउटपुट. सो कंप्यूटर requires everything in binary. अब जब आप डेटा इनपुट करते हैं तो जिस एप्लीकेशन में आप डेटा इनपुट करते हैं वो एप्लीकेशन खुद उसका जो इंजन चल रहा होता है, जो उसका बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, वो खुद उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है. जब आप कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसका इंटरप्टर या उसका कंपाइलर उसको कर लेता है. जब आप कोई गेम खेलते हैं तो आपकी हर मूवमेंट, आपका गेम, उसकी कोर, उसका कोर का, गेम का इंजन, वो सब कुछ बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है. अब फैसिलिटेशन ये जो है हमारी एप्लीकेशंस या ऑपरेटिंग सिस्टम्स करते हैं. सो आगे चलते हैं. तो अब हमने यहाँ पे दो क्वेश्चंस देखे कि कंप्यूटर्स यूजेस बाइनरी एंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ डाटा दैट कंप्यूटर रिक्वायर्स टू सेव इज बेसिकली 8 bits, यानी कि 1 byte. तो अब हमारे पास जो 1 byte है, हम सबको पता है कि 1 byte इज बेसिकली 8 bits. लेट्स से दीज आर 8 bits, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128. अब ये इनकी वर्थ है. ये वर्थ किस तरीके से क्रिएट हुई है? इसका फॉर्मूला वही होगा जिस तरीके से हमारे पास हमारे डेनरी नंबर सिस्टम की वर्थ कैलकुलेट होती हैं, बनती हैं. तो इनकी जो प्लेस वैल्यूज हैं या वर्थ है वो किस तरीके से बनी? आप देखें ये बिट्स हैं, ये 8 bits हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. इन 8 bits को हम किस तरीके से देखते हैं? इस बिट की जो वर्थ है वो 1 है और इसका जो बेस है वो 2 है. इन सब की बेस 2 है. ये बेस 2 क्यों है? ये बेस 2 इसलिए है कि हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में, बाइनरी नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 और 1. जो डिजिट्स होते हैं वो 0 और 1 होते हैं. तो इनको हम टर्म करते हैं बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स. और इसको हम शॉर्ट करते हैं, BI यहां से और T यहां से, तो हम इसको कहते हैं शॉर्ट में बिट. तो बिट इज बेसिकली बाइनरी डिजिट. और इनका जो काउंट है वो क्या कहलाता है? बेस. और काउंट क्या है बाइनरी डिजिट्स का? 2. तो इसको हम बेस 2 सिस्टम बोलते हैं. तो इस वजह से हर बिट की जो बेस है वो होगी 2. ये हो गई बेस. और फिर हम पोजीशंस अप्लाई कर देते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ इन 8 bits के. तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन. अब जब बेस की पावर पोजीशन हम रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो प्लेस वैल्यूज या वर्थ आती हैं वो ये होती हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ठीक है? तो ये 8 bits है. अगर 8 bits से हम ऊपर जाएंगे तो सिमिलरली ये फिर 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 एंड दिस विल इंक्रीज अप टू 2 की पावर 15, यानी कि 0 से 15 तक, दैट इज 16 bits. तो फॉर द टाइम बीइंग वी आर ओनली डीलिंग विद 8 bits नंबर्स. सो बाइनरी में आपके पास मिनिमम 8 bits होते हैं और हर बिट की जो वर्थ होती है वो होती है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128. ये हमारे पास 8 bits हैं. और अब इन 8 bits में जब हम एक डेनरी नंबर बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनेगा? मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास यहाँ पर एक नंबर था 5326, तो हमारे पास इस जगह पर हर डिजिट की पोजीशन पे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो है 10. हर डिजिट में हमारे पास 0 से लेके 9 तक कोई सा भी डिजिट आ सकता है. लेकिन ये पॉसिबिलिटीज जब हम बाइनरी नंबर्स में जाते हैं तो हमारे पास श्रिंक होकर रह जाती हैं सिर्फ 2. तो ये जो 2 पॉसिबिलिटीज हैं 0 या 1, उनके साथ जब आप वर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वर्थ या तो रिटेन होगी अगर आपके पास 1 है उस पोजिशन पे, बाइनरी बिट, बाइनरी डिजिट, या फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि वहां पे 0 होगा. सो बेसिकली हर बिट अपनी वर्थ से मल्टीप्लाई कर रहा है. तो 0 से मल्टीप्लीकेशन पे वो बिट की वर्थ नलीफाई हो जाएगी और 1 होने की सूरत में वो रिटेन कर जाएगी. तो अब आप देखिए, लेट्स से हमारे पास 0
0 1 1 0 0 1 0. ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है विच इज़ 1 byte. तो अब देखें क्या हो रहा है, यहाँ पर 128 मल्टीप्लाई कर रहा है 0 के साथ, तो 128 कैंसिल आउट हो गया, 64 कैंसिल आउट हो गया, 32 मल्टीप्लाई कर रहा है 1 के साथ, तो ये हमारे पास रिटेन हो गया. और इसी तरीके से 16 भी रिटेन हो गया, 8 कैंसिल आउट हो गया, 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 रिटेन हो गया और 1 कैंसिल आउट हो गया. तो इन अ वे जो हमारा आंसर है वो होगा 0 + 0 + 32 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1. सो बेसिकली लेट्स मेक इट सिंपल. तो जब आपको बाइनरी टू डेनरी कन्वर्जन करनी है, ऑल यू हैव टू डू इज टू एड अप ऑल दोज वर्ड्स व्हिच आर अबव 1. तो हम यहां पे 32 प्लस 16 48 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 50. सो दिस इज बेसिकली नंबर 50 इन बाइनरी. सिमिलरली हम एक और नंबर ले लेते हैं. अब हमारे पास जो नंबर है वो है 0 1 1 0 0 1 0 0. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड 64 and 32 becomes 96 plus 4, this becomes what? 100. सही है? तो ये एक सिंपल सा फिनोमिनन है. अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं विच वी हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड थॉरली. और वो ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि जो राइट मोस्ट बिट होता है इसको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो लेफ्ट मोस्ट बिट होता है इसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB एंड LSB. अब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर अगर हमारे पास 0 होता है तो इसका मतलब है कि नंबर इवन है, और अगर हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 होता है तो इसका मतलब है कि नंबर इज ऑड. ऑलराइट, सो 50 एंड 100 दे बोथ आर इवन, दैट इज वाई हमारे पास यहां पर जीरोज है. लेट्स से हम एक नंबर बनाते हैं 15. तो 15 किस तरीके से बनेगा, आप देखिए 8 and 4 12 and 2 14 and 1 15, सो रेस्ट विल बी 0. सो दिस इज नंबर 15. ठीक है, ये हमारे पास नंबर क्या हो गया, 15. अब आप इसमें खुद देख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज वॉट, 1. सो दिस इज ऑड नंबर. सेकेंडली आपको एक और ऑब्जर्वेशन लेनी है. वो ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आपके पास सारे वंस राइट से क्लब हुए हैं फ्रॉम द राइट, और आफ्टरवर्ड आपके पास कहीं से जीरो स्टार्ट हो रहा हो, तो जहां पे आपके वंस खत्म होते हैं उससे जो नेक्स्ट वर्थ आपकी है उसमें से आप माइनस 1 करेंगे तो आपको इस नंबर का पता चलेगा. सो दिस इज 31. क्यों 31 है, ये 31 इसलिए है कि आपके पास 16 तक वंस लगे हुए राइट से और उसके बाद आपके पास 32 है, तो 32 माइनस 1 31. सिमिलरली हमारे पास लेट्स से 1 1 1 1 1 64 तक है और उसके बाद आपके पास है 0, तो 64 की वर्थ तक यानी 7th बिट तक यू हैव ऑल वंस क्लब फ्रॉम द राइट एंड वेरी नेक्स्ट वर्थ इज 128. सो द नंबर इज 127. यू कैन चेक दैट. ठीक है, यू कैन चेक दैट. अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेज पे हम डेनरी टू बाइनरी आ रहे हैं. तो डेनरी टू बाइनरी में क्या होगा, लेट्स से हम एक नंबर बनाना चाहते हैं 25. जब हमें डेनरी टू बाइनरी नंबर बनाना है तो हम लोग जाएंगे लेफ्ट से राइट और हर उस वर्थ को विच इज रिक्वायर्ड हम 1 करेंगे एंड द वर्थ विच इज अबव इट उसको हम कैंसिल करेंगे. तो आप देखें 128 इज greater than 25, so we cancel it. 64 is greater than cancel. 32 is greater than 25, cancel. 16 is less, so we will subtract 16 from 25. So what we are left with? 9. All right, so 9, subtract 8 from 9, we are left with 1. So cancel 0, cancel 2 and 1. So now you can see 16 plus 8 is 24 plus 1, 25. So this is basically correct conversion. You don't have to subtract actually. All you would do this in your mind. So let's say ek hamare paas number hai 150. Now 150 minus 128, 22 remains. 150 minus 128, 22 remains. Cancel.
22 माइनस 16 इज 6, 8 कैंसिल, 6 माइनस 4 इज 2, 2 माइनस 2 इट इज डन 0. इफ यू चेक नाउ 128, दिस इज 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22, 128 एंड 22 इज 150. दैट इज वेरी इजी. सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट नंबर्स टू एंड फ्रॉम हेक्साडेसिमल.